अगर आप भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करते हैं तो इनकी बिट्स आप खुद से घर पे बिल्कुल ही सस्ती कीमत में बना सकते हैं। ये आपको एक बिट लगभग 20 रुपीज की पड़ेगी और ये बिट प्योर कॉपर में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मेरा जो ये टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन है इसमें जो बिट लगी है वो भी मैंने खुद से बनाई है। और कॉपर की बिट का फायदा ये मिलता है कि सोल्डर अच्छे से कनेक्ट होता है और हम रिपेयरिंग अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस सोल्डिंग आयरन के साथ में जो बिट आई थी वो ये रखी हुई है और उनमें से एक ये है। ये बिट जो है ये प्योर आयरन की है और प्योर आयरन की होने की वजह से इसके साथ सोल्डर अच्छे से कनेक्ट नहीं होता है, जबकि ये बिट्स प्योर कॉपर की हैं तो इनके साथ में सोल्डर अच्छे से कनेक्ट होता है और अच्छी तरह से आप रिपेयरिंग में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कई अलग अलग तरह की आती हैं और उनको आप खुद से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इस टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन के साथ में जो बिट आई थी उसे आपको चेक करा देता हूँ। ये प्योर आयरन की बिट है तो इसलिए मैग्नेट के साथ चिपक रही है, जबकि जो बिट्स हमने बनाई हैं उनके साथ में मैग्नेट जो है वो नहीं चिपक रहा है, यानी वो प्योर कॉपर की है। तो चलिए इन बिट्स को बनाना सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इस सोल्डिंग आयरन के साथ में आई हुई बिट पर। अगर हम सोल्डर मेल्ट करते हैं तो सोल्डर बिट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारी बिट जो है वो ओवरहीट हो जाती है। सोल्डिंग आयरन इस समय 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सेट है, लेकिन इसकी जो बिट है वो आयरन की होने की वजह से सोल्डर इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की आयरन की बिट्स की जगह पे हम कॉपर की बिट जो है उन्हें बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो हम रिपेयरिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो काफ़ी सारी बिट्स हैं इन सभी तरह की बिट्स को आप खुद से बना सकते हैं। इस सोल्डिंग आयरन के साथ में आने वाली ये बिट्स सभी आयरन की थी और इनके साथ मैग्नेट चिपक रहा था, तो ऐसी स्थिति में जब हम रिपेयरिंग में इन बिट्स का इस्तेमाल करते तो हम रिपेयरिंग अच्छे से नहीं कर पाते और काफ़ी परेशानी होती क्योंकि सोल्डर इनसे कनेक्ट नहीं होता। तो ऐसी ही बिट्स हम कॉपर की खुद से बनाने के लिए 25 वॉट का जो सोल्डिंग आयरन आता है उनकी बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 25 वॉट के सोल्डिंग आयरन में इस तरह की बिट्स लगती हैं और ये प्योर कॉपर में है, इनके साथ में मैग्नेट नहीं चिपक रहा है। मैं इन बिट्स को खोल कर दिखाता हूँ। ये बिट्स आपको मार्केट में 20 से 25 रुपीज पर पीस मिल जाएगी और इस बिट का आप इस्तेमाल करके अपने टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन की बिट्स बना सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इन बिट्स को आपको दिखाता हूँ। ये बिट्स कुछ इस तरह की हैं और ये प्योर कॉपर में है। अच्छा, ये भी एलॉय या आयरन में आती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसकी रिंग केवल आयरन की है, बाकी पूरी बिट प्योर कॉपर में है। तो अगर एलॉय की होगी तो भी अच्छे से काम करेगी और प्योर कॉपर है तो और बेहतर काम करेगी। इस बिट को हमें अपने टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डिंग आयरन की बिट की तरह बनाने के लिए, जैसे ये बिट है इसकी तरह बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइज जो है देखोगे आप तो ये बिल्कुल सेम लगेगा, बस इसकी बिट की आगे टिप ज़्यादा लंबी है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बराबर साइज में आपको इसे कट करना है। यहाँ पर हम इसकी साइज को नाप कर इसे कट करेंगे और इसकी टिप जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी बड़ी रख सकते हो। तो यहाँ पर कट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये आयरन की जो रिंग है इसे निकालते हैं। यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस समझने के बाद ही इन्हें बनाएं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने ये रिंग निकाल दी है और अब हमें क्या करना है, इसकी सही माप ले लेनी है कि कितनी बड़ी हमारी जो इसमें लगी बिट्स हैं वो हैं। यहाँ पर माप हमें किस तरह से लेनी है, ऐसे आप ऊपर से माप ले लेंगे कि ये हमारी कितनी बड़ी रहेगी, कहाँ से हमें कट लगाना है, यहाँ से हमें कट लगाना है तो यहीं से हम कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक ये आरी है और इसका प्रयोग करेंगे। तो अभी मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ इसके अलावा भी और प्रोसेस है, उसे भी आप समझ लेना तभी आप बनाना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने आरी का इस्तेमाल करके इस बिट पे इस तरह से कट लगाया है। अब हमें इसे पूरा कट करना है तो यहाँ पर आरी की सहायता से हम इस तरह से इस पर कट लगा देंगे और फिर इस तरह से नोज प्लायर या कटर की सहायता से इसे अलग कर देंगे। अब हम इसे अपने सोल्डिंग आयरन में लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आगे और भी इसमें परिवर्तन करना है, लेकिन पहले मैं इसे लगाकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसकी टिप को भी हम अपनी ज़रूरत के अनुसार रख सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्डिंग आयरन में जो बिट लगी है उसे मैं निकाल देता हूँ और ये बिट आपको लगाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमने जो इसमें बिट है इसे
यहाँ पर बिट होल्डर में डाल दिया है और इस तरह से हम इसे अपने सोल्डिंग आयरन में लगा देते हैं। ये बिट सोल्डिंग आयरन में लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बिट बिल्कुल सही से हमारे सोल्डिंग आयरन में लग चुकी है और इससे हम अच्छी तरह से रिपेयरिंग वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें और भी काम करने हैं और ये बिट प्योर कॉपर की है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सोल्डिंग आयरन में अलग अलग तरह की बिट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो दो बिट्स हैं इन बिट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो इनमें से एक तरह की बिट तो हम बना चुके, अभी इसकी टिप को आप एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो वो आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको रखना है। इस सोल्डिंग आयरन के साथ में इस तरह की बिट्स जो कि आप देख पा रहे हैं, ये पॉइंटेड है, एक बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है और एक कुछ कम पॉइंटेड है, इस तरह की बिट्स को भी आप इन्हीं बिट्स के द्वारा बना सकते हैं। ग्राइंडर या रेती का इस्तेमाल करके इसकी टिप जो है उसे घिस कर आप पॉइंटेड कर सकते हैं। यहाँ पर टिप की जो लंबाई है उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेट यहाँ पर तो चिपक रहा है लेकिन इसकी टिप के साथ में नहीं चिपक रहा है, तो चूंकि इसकी जो बिट हमने बनाई वो प्योर कॉपर की है और ये जो इस फोल्डिंग आयरन के साथ में बिट आई थी ये प्योर आयरन की थी, इसीलिए ये अच्छे से काम नहीं करती थी, और ये हमारी प्योर कॉपर की है तो ये बहुत अच्छे से रिपेयरिंग में काम करेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये बिट जो है इसे बनाया है। चलिए मैं बिट जो है इन्हें किस तरीके से कट करना है आप देखेंगे। मैंने ये बिट जो कट की है इसमें मैंने रिंग जो है उसे नहीं निकाला था और ऐसे ही कट किया था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बिट है ये बिल्कुल सही साइज में हमें कट करना है, जरा भी बड़ी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूसरी बिट भी कट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो आयरन की रिंग जो इसकी बिट को टाइट रखती है, जो इसका सोल्डिंग आयरन आता है जिसमें ये बिट लगती है, तो वहाँ पर एलिमेंट के साथ में टाइट रखने के लिए ये रिंग जो है वो लगी होती है, इतना हिस्सा हमने इसका निकाल दिया है और अभी हमें इसी तरह से इस बिट को भी कट कर लेना है। आप देखेंगे इस तरीके से हम इसे बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं। रिंग निकालने के बाद काटने में थोड़ी सी परेशानी होती है, अच्छा लगी हुई स्थिति में जब रिंग लगी है तो आप बड़ी आसानी से इसे कट कर पाते हैं। यहाँ पर कटिंग के बाद अब हम ये ग्राइंडिंग टूल जो है इसे इस्तेमाल करेंगे। आप रेती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको इसकी टिप को ग्राइंड करने के लिए इस तरह की महीन रेती का इस्तेमाल करना होगा। तो इस ग्राइंडर से अब हम इसकी टिप को घिसेंगे। यहाँ पर मैं ग्राइंडर को ऑन कर देता हूँ और अब हम सबसे पहले इस टिप का ये वाला हिस्सा जहाँ हमने इसे कट किया है वहाँ पर घिसेंगे। यहाँ पर आपको इस बिट की लंबाई उतनी ही रखनी जितनी सोल्डिंग आयरन की बिट लंबी है। अगर आप ज़्यादा घिस देंगे और ये छोटी हो जाएगी तो सोल्डिंग आयरन का जो एलिमेंट है उसे तोड़ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बिट अपनी ज़रूरत के अनुसार बना ली है। इसी तरह से आप घिसाई करके अपनी ज़रूरत के अनुसार बिट्स जो हैं उन्हें बना सकते हैं। अभी मैंने केवल आपको ये आइडिया दिया है कि 25 वाट के जो नॉर्मल फोल्डिंग आयरन आते हैं उनकी बिट को किस तरह से कट करना है और टिप को कैसे घिसना है। इसे फिनिश करने के लिए हम सैंड पेपर का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस तरह की तो हम बिट बना सकते हैं, टिप की जितनी भी लंबाई हमें रखनी है उतनी हम रख सकते हैं। टिप की मोटाई हमें और कम करनी होती है अगर हम SMD रिपेयरिंग वर्क या मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पर टिप की और हमें घिसाई करनी है। यहाँ पर फिनिश करने के लिए हमें सैंड पेपर का इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि नॉर्मल सोल्डिंग आयरन की बिट को टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डिंग आयरन की बिट में कैसे बदला जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।